गहलोत तो होंगे, लेकिन उनका मंत्रिमंडल आखिर कैसा होगा? कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको संभावना के तौर पर देखा जा रहा कि इनको इस बार पोर्टफोलियो मिल सकती है, यानी मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है? 17 दिसंबर को अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल की तस्वीर क्या होगी? दीपेंद्र सिंह, गोविंद डोटासरा, ये तमाम नाम है। भरत सिंह, रामनारायण मीणा और रमेश मीणा भी इसमें शामिल है। राजकुमार शर्मा, महेश जोशी, लालचंद कटारिया, गुरमीत का भी नाम है और खिलाड़ी बैरवा और परसादी जैन का भी नाम इसमें शामिल है। हरीश मीणा, राजेंद्र पारीक, यानी कुल मिलाकर जो दोनों के करीबी हैं उनके नाम की संभावना प्रबल है। बिल्कुल, कई ऐसे नाम शामिल किए गए हैं। 27 मंत्रियों की सूची संभावित बताई जा रही है। राजकुमार शर्मा का नाम भी शामिल है, खिलाड़ी बैरवा, परसादी मीना, मास्टर भंवरलाल का भी नाम शामिल है, हरीश मीणा, राजेंद्र पारीक, शांति धारीवाल, बीडी कल्ला का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। सीट से विधायक हैं, दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। इनकी शिक्षा और इनका कैसा राजनीतिक जीवन रहा आपको इस वक्त बता रहे हैं। 2005 में पंचायत स्तर से राजनीतिक की शुरुआत की थी, लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के प्रधान बने और इस बार विधानसभा चुनाव में भी जीतकर पहुंचे। 2008 में पहली बार लक्ष्मणगढ़ से विधायकी का चुनाव जीते थे, तब से लगातार इनकी हैसियत बढ़ती जा रही थी और 2011 में सीकर जिलाध्यक्ष भी बनाए गए थे। और धोद विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं परस नाम जी, जिनको शिक्षा 9वीं इन्होंने पास की है। शिक्षा के बारे में अगर इनकी बात की जाए तो 9वीं कक्षा तक इनकी शिक्षा है। सक्रिय राज्य नेताओं के तौर पर इनकी अब तक की पहचान रही है। इसके अलावा डॉक्टर रघु शर्मा, जो कि इस बार सांसद भी बने थे 6 महीने पहले, 1978 में छात्र राजनीति में उन्होंने कदम रखा, उसके बाद इस बार विधायकी का चुनाव जीते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रमेश चंद्र मीणा, शिक्षा बी सिविल इंजीनियर की है इन्होंने, सपोटरा से कांग्रेस विधायक रहे हैं इस बार। माना जा रहा है कि मंत्री की रेस में इनको भी शामिल किया जा सकता है। इधर बीडी कल्ला, जो कि चर्चित नाम है, ब्राह्मण बड़े चेहरे माने जाते हैं राजस्थान के, शिक्षा एमए एलएलबी किए हैं, वकील हैं, बीकानेर पश्चिम से विधायक हैं और इस बार कहा जा रहा है कि इनको भी मौका मिल सकता है अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में। सीपी जोशी काफी चर्चित नाम है, शिक्षा एमए और पीएचडी इन्होंने कर रखी है, कैबिनेट में जगह मिल सकती है। नाथद्वारा सीट से कांग्रेस विधायक रहे हैं, काफी चर्चित चेहरा भी रहे। इधर शांतिलाल धारीवाल, देख सकते हैं आप किस तरीके से, शिक्षा बीए एलएलबी ये भी हैं, वकील हैं, कोटा उत्तर सीट से विधायक बनकर चुने गए हैं और काफी ये हॉट सीट मानी जा रही थी, यहां पर चुनावी जीत हासिल उन्होंने की थी। तो ललित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, ललित लगातार हम उन नामों को दिखा रहे हैं जो इस बार संभावना जिनकी जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, क्या ये नाम मान लिया जाए कि इन नामों पर जो सस्पेंस है वो बिल्कुल खत्म है या फिर इनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है? दरअसल मनोहर इस वक्त हमारे साथ है। मनोहर, क्या कुछ जानकारी है इन नामों को लेकर इस वक्त, कौन कौन मौका किसको किसको मिल सकता है? जी देखिए, जिस तरीके से जो निकल के आ रही है, जो एक मंत्रिमंडल